स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा स्कूल हो तो ऐसा الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله आइए प्यारे बच्चों दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों प्रोग्राम में तिलावत कुरान पाक को शामिल करते हैं और तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर हसन। आइए सर हसन तिलावत कुरान पाक कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله العظيم ترجمہ کنز العرفان تم کہو میں تمام لوگوں کی رب کی پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کا بادشاہ تمام لوگوں کا معبود بار بار وسوسے ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے سبحان اللہ ماشاء اللہ سر حسان نے بہت ہی پیاری تلاوت کی اللہ پاک ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے آمین پیارے بچوں اسمبلی میں کلام پاک کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر عدیل آئیے پیارے بچوں کلام شامل کرتے ہیں آئیے صلی اللہ علیہ یا رسول sallam alayka ya habib allah kismat meri chamka میں مدینہ سینے
हदीसे पाक को शामिल करते हैं। आइए सर सुहेब। हदीसे पाक, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق। तर्जमा, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नेकी अच्छे इखलाक का नाम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बच्चों आइए इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारी असेंबली का वक्त खत्म हो चुका है। अब सब लाइन बनाकर अपनी अपनी क्लासेस में चले जाइए। तो ऐसा जी। तो बच्चों हमारा यूनिट स्टार्ट हो चुका है। इस यूनिट का क्या नाम है? स्लाम्या। क्या नाम है? स्लाम्या। जी माशाल्लाह। बच्चों आज आप सब तो बहुत एक्टिव लग रहे हैं, है ना? एक्टिव तो है ना? जी माशाल्लाह। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में इस्लामियत की पीरियड में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे से सीरत के बारे में पढ़ा था और आपको कुछ होमवर्क भी दिया था जिसमें आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेंबर्स के नाम याद करके आने। तो बच्चों कौन कौन याद करके आया है? जी माशाल्लाह, आज तो आप सब याद करके आए, माशाल्लाह। तो बच्चों चले आपसे कुछ सवाल भी कर लेते हैं। जी बच्चों पहला सवाल ये, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा और खूबसूरत सा नाम क्या है? जी आप बताइए। मोहम्मद। जी माशाल्लाह, शाबाश, बैठिए। जी तो बच्चे मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का क्या नाम है? जी बताइए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। जी माशाल्लाह, बैठ जाइए। बच्चों मेरा तीसरा सवाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का क्या नाम है? कौन बताएगा? जी किसी को भी नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा है। क्या नाम है? बीबी फातिमा रदियल्लाहु। क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है। बीबी फातिमा रदियल्लाहु। जी शाबाश। जी बच्चों मेरा चौथा सवाल ये है कि हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का क्या नाम है? माशाल्लाह, इसमें तो कुछ बच्चों का हाथ उठा है। चलिए आप बताइए। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नहीं ये नाम तो नहीं, आप बैठ जाइए। और कौन बताएगा? जी आप बताइए। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जी मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आमना नहीं होता है, आमिना होता है, सही है? आप बैठ जाइए। जी माशाल्लाह। बच्चों अभी तो इन्होंने सही बताया मगर उन्होंने जवाब में थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो मैं आपको मिस्टेक बता दे रहा हूँ। तो बच्चों हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु तआला अन्हा है। इन्होंने आमना बोला था, सही है? आमना नहीं होता है, आमिना होता है, ठीक है? सबको समझ आ गई? जी माशाल्लाह। जी बच्चों मेरा आखिरी और पांचवा सवाल ये है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का क्या नाम है? कौन बताएगा? इस तरफ से कोई भी नहीं बताएगा, चले कोई बात नहीं। जी आप बताइए। हजरत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु। जी माशाल्लाह, बैठ जाइए। चले शाबाश। आज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली से रिलेटेड कुछ और मजीद बातें सीखेंगे। तो सब रेडी हैं? जी। सब रेडी हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कोई रेडी है, जोर से बोलिए। जी। जी माशाल्लाह। बच्चों हजरत मुत्तलिब रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। जी
और बच्चों हमारे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान यानी हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। बच्चों आज मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान का एक वाकया भी सुनाता हूँ, तो सब रेडी है? जी माशाल्लाह। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जान हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में तशरीफ लेके गए थे। कहाँ लेके गए थे बच्चों? जंगल में। तो मुल्के शाम के कुछ नॉन मुस्लिम यानी गैर मुस्लिम लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। बच्चों किन किन लोगों ने देखा? नॉन मुस्लिम। जी तो जंगल में ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने की कोशिश की क्योंकि आप अकेले थे, मगर अल्लाह पाक ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई। किसने हिफाजत फरमाई? अल्लाह ताला ने। जी और इस तरह वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए जो इस दुनिया के लोगों से मिलते जुलते ही नहीं थे। क्या नहीं होते थे? मिलते जुलते नहीं थे। और उन्होंने नॉन मुस्लिम को मारकर भगा दिया और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सेफली उनके घर तक पहुँचा दिया। कहाँ पहुँचा दिया? जी माशाल्लाह, आप लोग को तो सब याद हो रहा है। बच्चों वहाब बिन मुनाब जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जानते और वो भी उस दिन जंगल में थे और उन्होंने अपने आंखों से ये सब देख लिया और उन्हें हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत हो गई, इसलिए उन्होंने अपनी शहजादी बीवी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। बच्चों हजरत बीवी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी बहुत अच्छी और नेक वुमेन थी। तो हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैमिली वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। सुभान अल्लाह। और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स की भी शादी हो गई। बच्चों लास्ट बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आपके अब्बू जान का इंतकाल हो गया था और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की थी। किसने की थी बच्चों? जी चलें, अब हमारी यूनिट का वक्त खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें याद रहेंगी और बच्चों ये सब बातें अगली क्लास में भी आपसे सुनेंगे। जी बच्चों अब मैं चलता हूँ, मेरे यूनिट का टाइम खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? जी तो आपका मैथ का यूनिट शुरू हो गया है और हम मैथ पढ़ेंगे लेकिन एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे, तो सब तैयार हैं? जी तो प्यारे बच्चे हो ये बताएं कि इस साइन का नाम क्या है? प्लस, इसको कुछ इंग्लिश में कुछ और भी कहते हैं, कौन बताए क्या कहते हैं इसको? एडिशन। जी इसको कहते हैं एडिशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एडिशन। सही है। अब ये बताएं टू प्लस टू इजिकल्स कितने होते हैं? फोर। चले अब ये बताएं दो बाप और दो बेटे कितने होते हैं? दो बच्चे के हाथ उठ रहे हैं बस, किसी बच्चे को आता नहीं है? नहीं आता। चलें ऐसा कह रहे हैं कि उनको दे दें माइक, खड़े हो जाएं। एक दादा है, एक उनके बेटे हैं और एक और उनके बेटे हैं। सही है। अब ये बताएं अब्बू कैसे हुआ? दो अब्बू। जो दादा के बेटे हैं वो अब्बू हो गए और जो दादा हैं वो भी अब्बू हो गए। हाँ सही। एक दादा अब्बू हैं और एक उनके बेटे अब्बू हैं, सही है। और एक दादा के अब बेटे जो हैं एक वो बेटे हो गए और दादा के बेटे का बेटा भी एक बेटा हो गया। कितने हो गए? दो बेटे और दो दो बाप। अब ये बताएं कितने हुए थे? दो बेटे और दो बाप कितने हुए थे? तीन। अब ये बताएं थ्री प्लस वन इजिकल्स? फोर। जी शाबाश, वेरी गुड। अब ये बताएं फोर प्लस ज़ीरो कितने हुए? फोर। जी फोर। अब मैं आपको इस्लामी इंफॉर्मेशन देता हूँ फोर के हवाले से, दूँ या नहीं दूँ? जी प्यारे बच्चों अल्लाह पाक के नाम के हरूफ चार हैं, कितने हैं?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नाम के हर्फ की तादाद भी चार है। कितनी है? चार। जी मशहूर फरिश्ते कौन कौन से, कौन बताएगा? एक दो तीन, क्लास में तो सारे बच्चे हैं माशाल्लाह। चलिए ऐसा करें कि आप बताएं माइक में, मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? जी हज़रत जिब्राइल। जी हज़रत इज़राइल। सही है। हज़रत इस्माइल। नहीं। हज़रत मिकाइल। जी आखिरी, देखिए दूसरे बच्चे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए ऐसा करें आप बता दें, जिब्राइल अलैहि सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहि सलाम, हज़रत मिकाइल अलैहि सलाम, हज़रत इस्राफ़ील अलैहि सलाम। जी आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों कितनी तादाद है? चार। मशहूर फरिश्ते भी चार हैं। कितने हैं प्यारे बच्चों? चार। मशहूर आसमानी किताबें भी चार हैं। जन्नत की नहरें भी चार हैं। कितनी हैं? चार। अब ये बताएं कि इस साइन को क्या कहते हैं, इस साइन को क्या कहते हैं, इंग्लिश में बताना है। जी आप बताएं। सबट्रैक्शन। जी इसको कहते हैं क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। जी इसको कहते हैं सबट्रैक्शन। अब ये बताएं, नाइन माइनस वन कितने हुए? एक। पक्का? फिर कितने हुए? आवाज आनी चाहिए ना। एक। अब ये बताएं, टेन माइनस टू इजिकल्स? एक। जी एट, ट्वेल्व माइनस फोर इजिकल्स? एक। जी प्यारे बच्चों अब इस नंबर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। जन्नत के आठ दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? आठ। जी फतह मक्का आठ हिजरी में हुआ। नमाज़े असर की आठ रकातें हैं। अर्श उठाने वाले फरिश्ते भी आठ हैं। प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से समझ गए आप सब? जी। अब मैं कुछ पूछ लूं, पूछ लूं? जी। अब ये बताएं कि आसमानी किताबें कितनी हैं? माशाल्लाह सबको आता है। जैसे ऐसा करें कि आप बताएं। चार। पक्का? पक्का है ना, देख लें। सही आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलिए अब बैठिए। चलें भाई हमारी यूनिट का टाइम ख़त्म हुआ, अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमारे अखलाकियात का जो पीरियड था उसमें हमारा टॉपिक क्या था? जी सलाम करना हमारा टॉपिक था। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताएं कि हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप जब भी घर पे जाएं तो घर वालों या अम्मी अब्बू को सलाम करना है आपने, तो किस किस ने किया था? सब ने किया था माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा हमने आपको सलाम का सही तरीका भी बताया था, क्या बताया था वो कौन बताएगा? चलें आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तशरीफ़ रखें, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा अच्छा इसका जवाब भी हमने आपको सिखाया था, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप बताएं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सलाम कैसे करना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उसका जवाब कैसे देना है? जी प्यारे बच्चों एक बात याद रखें कि जब भी हम किसी से मुलाकात करें
तो अपनी बात शुरू करने से पहले सलाम करना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम। क्या फरमाया? मिसाल मिल के दोहरा लें ताकि ये हमें याद भी हो जाए। अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम। इसके मायने हैं कि सलाम बातचीत से पहले है। कब है सलाम? बातचीत से पहले। तो हमें कब करना है सलाम? बातचीत से पहले। जी अच्छा बच्चों, ये बताएं कि जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं या फिर किसी के घर से वापसी आ रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? जी आप बताएं। सलाम करते हैं। अच्छा चलें आप तशरीफ रखें। और कोई बता सकता है? जी आप बताएं। सलाम करेंगे। उन्होंने भी ये जवाब दिया। मैं कुछ और सुनना चाह रहा हूँ। जी आप बताएं। गुड बाय या टाटा बाय बाय कहते हैं। तशरीफ रखें। जी तो कुछ लोग गुड बाय कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टाटा। तो हमें ये नहीं कहना है बल्कि हमने क्या करना है? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना है। ठीक है तो हमें आते जाते क्या करना है? सलाम। और कितना सलाम करना है? जी अच्छा बच्चों, एक बार आप पूरा सलाम करके फिर बता दें सारे एक साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इसका जवाब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अच्छा बच्चों, एक बात याद रखें कि हमें हमेशा सलाम करने में पहल करनी चाहिए, यानी दूसरों से पहले सलाम करना चाहिए। अब ये क्यों? इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि जो शख्स पहले सलाम करता है, जैसे बोलता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सही है, तो उस पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। और जो उसका जवाब देता है कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। अब हमें 90 रहमतें चाहिए कि 10 रहमतें चाहिए? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? करेंगे सब नियत कर। जी खड़े हैं सर। सलाम करने का कोई और फायदा भी है? जी सलाम करने का फायदा है। सलाम करने का, आप तशरीफ रखें, सलाम करने का फायदा ये है कि आपस में मोहब्बतें पैदा होती हैं और नफरतें खत्म होती हैं। चले अब सब रिपीट करते हैं। मोहब्बतें पैदा होती हैं और नफरतें, मोहब्बतें पैदा होती हैं और नफरतें। जी अच्छा बच्चों, आखिरी बात, जो हम सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसकी मीनिंग भी तो हमें मालूम होनी चाहिए ना। किसी बच्चे को मालूम है यहाँ पे इसकी मीनिंग? जी बताएं। तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें नाजिल हो। शाबाश, तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू के मायने क्या है? तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हो। चले अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें इसके मीनिंग्स भी याद हो जाएं। तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। तुम पर सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। अच्छा जो इसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इसके मायने किसी को बताएं? जी बताएं। और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाजिल हों। जी शाबाश, बैठे। जी तो वालेकुम अस्सलाम के मायने क्या है? और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। इसको भी रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें दोनों याद हो जाएं। ठीक है, और तुम पर भी सलामती हो और तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल हों। अल्लाह पाक की तरफ से। चले बच्चों, अब हमारे यूनिट का टाइम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट यूनिट में इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले यूनिट में भी हमने यही टॉपिक पढ़ा, आज भी यही पढ़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप अपना होमवर्क नोट कर लें। जो हमने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था वही आपका होमवर्क आज है कि जब भी आप घर में जाएँ तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।